नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही सीरियस विषय लेकर के, जिसे कि हम लोग पता नहीं, हम लोग जानबूझकर या अनजाने में कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो आप दवा लेने के लिए किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो आप जेनुइनली क्या करते हैं कि आप दवा का पर्चा देते हैं या फिर कोई स्ट्रिप देते हैं या फिर आप खुद जाकर अपनी समस्या बताते हैं और सामने वाला मेडिकल स्टोर वाला आपको दवा दे देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति आपको दवा दे रहा है, आप जिस व्यक्ति से दवा ले रहे हैं, क्या वो एलिजिबल है आपको दवा देने के लिए? क्या उसे दवाओं के बारे में पूरी नॉलेज है? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चक्कर आ गया, चक्कर आकर के वो गिर गया, आप मेडिकल स्टोर पे गए और आपने कहा कि भाई साहब मुझे चक्कर आ गया था, कोई दवा दे दीजिए। अब जो झोला छाप मेडिकल वाला होगा वो क्या समझेगा कि आपको चक्कर आया है, मतलब कि आपको कमज़ोरी है, वीकनेस है। उठा करके वो बिना कोई चीज़ चेक किए हुए अगर उसने आपको इनरजाल लिक्विड या इनरजाल पाउडर या फिर ग्लूकोन डी दे दिया और चक्कर आने के पीछे का रीज़न है आपका हाई ब्लड शुगर, यानी कि आपका शुगर बढ़ गया है और आपको उसने गलती से भी ग्लूकोन डी या इनरजाल पिला दिया, तो कहानी और उल्टी पड़ जाएगी और आप और ज़्यादा समस्या में आ जाएंगे, आपकी जान सीधा सीधा खतरे में आ जाएगी। और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे मान लिया आपने कोई दवा उससे ली और आपको उसने कुछ दवाइयाँ ऐसी दे दी जो कि आपको साथ में खानी ही नहीं चाहिए, वो दवा साथ में इंटरेक्शन कर जाती है और आपको नुकसान कर देगी, एलर्जी कॉज कर जाएगी। लेकिन उन्हें जब कुछ पता होगा तब तो ऐसा वो बचाएंगे उसको। जब उन्हें कुछ चीज़ पता ही नहीं है कि कौन सी दवा को किसके साथ देना है नहीं देना है, वो तो खाली अपना पैसा बनाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बेचने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नॉलेज फार्मासिस्ट को होती है दवाइयों के बारे में, वो झोला छाप मेडिकल स्टोर को कभी भी नहीं हो सकती है। तो हर काम आपको उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से ही कराना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो आप पेडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, आप बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको दवा लेनी है तो आपका चुनाव हमेशा, आपका झुकाव हमेशा एक फार्मासिस्ट के तरफ ही होना चाहिए। एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है, सर दर्द होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आपका सर दर्द हो रहा है, आप पहुँचे मेडिकल स्टोर पर, आपने कहा भाई साहब सर दर्द कर रहा है दवा दे दीजिए, उसने उठाकर आपको डिस्प्रिन दे दिया। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग जानते हैं कि डिस्प्रिन सर दर्द में बहुत ही एक्सीलेंट काम करती है। लेकिन जैसे ही आपको उसने डिस्प्रिन दिया, आपने डिस्प्रिन खाया, आपकी सेहत खतरे में आ गई। पूछे कैसे आ गई? आपकी सेहत खतरे में ऐसी इसलिए आ गई क्योंकि जो डिस्प्रिन होता है वो एक प्रकार का एंटी प्लेटलेट्स ड्रग भी होता है, मतलब वो दवा हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको कम करती है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है और इस स्थिति में आपको मलेरिया है या फिर आपको डेंगू है या फिर आपको कोई समस्या नहीं है, आप 10-20 दिन से बुखार झेल रहे हैं और आपका किसी भी कारणवश आपका प्लेटलेट्स काउंट कम चल रहा है, आपका प्लेटलेट्स काउंट ऑलरेडी कम है और आपने डिस्प्रिन खा लिया ऊपर से, तो वो आपके प्लेटलेट्स को और गिरा देगा और कमज़ोर कर देगा और आपके हेल्थ को सीधा सीधा नुकसान करेगी। ये कुछ बारीकियां होती हैं जो कि एक फार्मासिस्ट ही समझ सकता है और फार्मासिस्ट ऑब्जर्व करेगा। आप दवा लेने जाएंगे, पहले वो आपसे पूछेगा कि आपका बीपी तो नहीं, आपको बीपी की समस्या तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं बढ़ा रहता है घटा रहता है, आप प्रेग्नेंट महिला तो नहीं है, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट जान कर समझ कर उसके बाद ही आपको दवा देगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, एक अनट्रेंड, एक झोला छाप मेडिकल स्टोर से दवा लेना बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आप किसी अनट्रेंड ड्राइवर के साथ शिमला की पहाड़ियों पर घूमने निकल जाएं। दोस्तों, आपकी जान हमेशा हलक में रहेगी क्योंकि वो अनट्रेंड ड्राइवर कभी भी आपको लेकर के खाई में पलट सकता है। तो दवाइयाँ भी आपके जान से, आपके स्वास्थ्य से सीधा सीधा संबंध रखती हैं। तो अपने स्वास्थ्य को किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में बिल्कुल ना दें। जब भी दवाइयाँ लेने जाएं तो हमेशा एक दवाइयाँ एक फार्मासिस्ट से ही लें, ये ही बेटर होगा। और मैं कहना चाहूँगा अपने फार्मासिस्ट भाइयों से, आप अपनी डिग्री किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना दें, क्योंकि अगर आप अपनी डिग्री किसी व्यक्ति को देंगे तो ये भी इनडायरेक्टली झोला छाप मेडिकल स्टोर को बढ़ावा देना होगा।
और आप अपने ही पैर पर अनजाने में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेडिकल शॉप, अगर आपके पास डिग्री है, तो मेरी राय है कि आप बिज़नेस में आइए, व्यापार में आइए। बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस होता है दवाइयों का बिज़नेस। लेकिन अगर आपको बिज़नेस नहीं करना है, आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपनी डिग्री अपने पास रखिए। 50-60-70 हज़ार रुपये के लिए आप अपना ईमान मत बेचिए, अपने प्रोफेशन को बिल्कुल भी मत बेचिए। तो मेरी जितने फार्मासिस्ट भाई हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, जितने दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दवा लेने जा रहे हैं तो हमेशा फार्मासिस्ट का ही चुनाव करें, क्योंकि फार्मासिस्ट को ही पूरी जानकारी होती है दवा के बारे में। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद था आप लोगों को सतर्क करने का, आप लोगों को जागरूक करने का, और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को आप हल्के में ले रहे हैं उस चीज़ को प्रकाश में लाने का, लाइट में लाने का। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें आपको समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि कई सारे जो बी फार्मा डी फार्मा करके जो लड़के निकलते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो फार्मा मार्केटिंग में आना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि फार्मा मार्केटिंग का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए। तो मैं सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों के MNC कंपनियों के मैनेजर से सीधे बात करूंगा, उनसे आपके सवाल मैं रखूंगा कि एक फ्रेशर को जो मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता है, फार्मा मार्केटिंग करना चाहता है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अपडेट करनी चाहिए, कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि वो एक फार्मा का इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो चैनल पर बने रहें, ना सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया जाए। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।